और अभी अच्छा पढ़ेंगे हम डायनामिक लिफ्ट। डायनामिक लिफ्ट में क्या होता है, दो कंडीशन होती है यहाँ पे। पहली कंडीशन होती है, जैसे आप क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट में क्या होता है, स्विंग होती है बॉल, है ना। यस स्पिनर, सर स्पिनर की बॉल स्पिन होती है और जो फास्ट बॉलर्स होते हैं उनकी बॉल होती है स्विंग। चाहे आप क्रिकेट ले लो, चाहे आप टेबल टेनिस ले लो, चाहे आप लॉन टेनिस ले लो, सभी में, फुटबॉल ले लो, चाहे सभी में आपकी बॉल जो है वो स्विंग होती है। यस सर स्विंग क्यों होती है, उसका कारण हम यहाँ जानेंगे। उसका कारण भी बर्नौली इक्वेशन से ही हमें समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम बॉल मूविंग विदाउट स्पिन। क्या होता है जब बॉल बिना स्पिन के, सीधी भी तो निकल जाती है बॉल, यस सर स्पिन भी नहीं होती है, जरूरी थोड़ा है कि स्पिन होगी। तो क्यों स्पिन होती है, क्यों स्पिन नहीं होती है, उसको हम थोड़ा यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट है यहाँ पे डायनेमिक लिफ्ट का, कि बॉल मूविंग विद स्पिन, ठीक है, विद नहीं, विदाउट स्पिन। यस अगर स्पिन नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा। देखो होता क्या है कि जब थ्रोअर जब बॉल फेंकता है, तो बॉल फेंकता है तो यहाँ पे क्या है, एक एयर, ये मान लेते हैं बॉल है हमारी स्फेरिकल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ऑलरेडी एयर प्रेजेंट होती है ना। तो यस सर विदाउट स्पिन में क्या होगा, देखो एयर यहाँ पे फ्लो हो रही है इस तरह से, है ना। तो यस ये सर क्या करेगा, ये जो स्फेयर होगा ये एयर को थोड़ा सा डाइवर्ट कर देगा, है ना। इस तरह से एयर जो है यहाँ पे डाइवर्ट हो जाएगी, क्लियर। यस सर इस तरह से यहाँ पे एयर आएगी तो ये यहाँ पे डाइवर्ट हो जाएगी, इस तरह से चली जाएगी। तो अब होगा क्या, देखो अगर दोनों, ये जो एक एयर की एक ऊपर वाली लेयर बनेगी और एक नीचे वाली लेयर बनेगी, दो लेयर यहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो दोनों लेयर यस में सर अगर प्रेशर डिफरेंस निल है, दोनों लेयर में अगर इसका मान लो प्रेशर P1 है और इस लेयर का प्रेशर मान लो P2 है, ठीक है। यस सर तो होगा क्या कि अगर P1 - P2 = 0, तो प्रेशर डिफरेंस रहेगा 0। तो प्रेशर डिफरेंस 0 रहने की कंडीशन में क्या होगा, डायनामिक लिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर जहां पे कम हो जाएगा, पता चला यहाँ पे देखो प्रेशर अंदर कम हुआ तो लिफ्ट किधर को हुआ, अंदर की तरफ, क्योंकि प्रेशर बाहर वाला ज्यादा है अंदर वाला कम है। तो सिमिलर यस सर कंसेप्ट में अगर यहाँ पे P1 की वैल्यू और P2 की वैल्यू दोनों इक्वल हैं, यानी के सेम अमाउंट ऑफ जो लैमिनर, ये सेम अमाउंट ऑफ एयर फ्लो अगर यहाँ पे हो रहा है अबोव द सरफेस ऑफ द बॉल एंड बिलो द सरफेस ऑफ द बॉल, अगर सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर है, तो प्रेशर डिफरेंस दोनों लेयर के बीच बनेगा, वो कितना बनेगा, 0 बनेगा, यस ठीक सर है। तो अगर प्रेशर डिफरेंस आपका 0 हो जाएगा, तो उस प्रेशर डिफरेंस 0 में क्या होगा, इसमें डायनामिक लिफ्ट नहीं होगा, ठीक है। यस सर तो ये बॉल क्या होगा, ये बॉल सीधी निकल जाएगी, ओके। तो ये यस हुआ सर बॉल मूविंग विदाउट स्पिन, यहाँ पे बॉल स्पिन नहीं होगी। लेकिन दूसरी कंडीशन में बॉल मूविंग विद स्पिन, बॉल मूविंग विद स्पिन, आपने देखा होगा कि फास्ट बॉलर क्या करते हैं, बॉल को एक तरफ से शाइन करके रखते हैं, है ना। यस सर तो एक तरफ से अगर बॉल थोड़ी रफ होगी और एक तरफ से बॉल स्मूथ होगी, तो होगा क्या, जब वो बॉल को हम ऐसे फेंक रहे हैं तो एक तरफ से आपकी स्मूथ है और एक तरफ से आपकी बॉल जो है वो रफ है। तो होगा क्या कि यहां से लेफ्ट साइड से जहां पे आपने बॉल को शाइन किया है, वहां से जो एयर पास होगी वो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, है ना। तो जब यस उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी जहां से ज्यादा होती है वहां पे क्या होता है कि वहां पे प्रेशर डिक्रीज हो जाता सर है ना। तो प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा और यहाँ पे रफ सरफेस है क्योंकि, तो यहाँ पे जो एयर का रेजिस्टेंस रहेगा वो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, है ना। तो बहुत यस ज्यादा सर रेजिस्टेंस होने की वजह से प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी जो है आपकी कम हो जाएगी वहां पे जो एयर फ्लो होगा, ठीक है। तो एक तरफ वेलोसिटी ज्यादा हो गई, दूसरी तरफ वेलोसिटी कम हो गई, एक तरफ प्रेशर कम हो गया, दूसरी तरफ प्रेशर ज्यादा हो गया। तो क्या होगा उस कंडीशन में, क्या होगा, बॉल जो है आपकी वो स्पिन हो जाएगी, है ना। तो सिंपल कंसेप्ट है बिल्कुल, ये आपकी बॉल है। बॉल में क्या है कि यहाँ पे जो एयर फ्लो है
ऊपर नीचे प्रेशर का डिफरेंस डिफरेंस अगर रहेगा तो बॉल जो है स्पिन हो जाएंगे। ओके यस सर। बॉल आपने ऐसे, ये स्पिन हो रही है, देखो ये सीधी जा रही थी, ये बॉल सीधी जा रही थी बिल्कुल ऐसे सीधी एकदम, ये बॉल क्या है ऐसे स्पिन स्पिन होके जा रही है, ठीक है, घूम के जा रही है। तो इसमें क्या होगा कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, जो अपर लेयर होगी और नीचे वाली जो लेयर होगी उसमें प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा तो क्या होगा, फिर बॉल जो है आपकी स्पिन हो जाएगी, ठीक है। Yes, इसको कहते हैं मैग्नस इफेक्ट, स्पिन होना बॉल का कहलाता है मैग्नस इफेक्ट। ओके क्लियर कंसेप्ट? यस सर। ओके तीसरा एक चीज होता है आपका एरोफॉइल और लिफ्ट ऑन एयरक्राफ्ट विंग। एयरक्राफ्ट का जो लिफ्ट होता है, एयरक्राफ्ट का लिफ्ट भी इसी पे डिपेंड करता है, यही कंसेप्ट से हम उसको भी दिखा सकते हैं। एयरक्राफ्ट विंग का लिफ्ट, एयरक्राफ्ट विंग लिफ्ट। ओके सो उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब उसका जो एरोडायनामिक स्ट्रक्चर होता है एरोप्लेन का, है ना, yes, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है कि एयर फ्लो कैसा होता है, यहाँ पे फास्ट होता है, ठीक है, yes, sir. और यहाँ पे एयर फ्लो स्लो रहता है, यहाँ पे वेलोसिटी हो जाती है इसकी फास्ट। तो क्या होगा अगर वेलोसिटी में डिफरेंस रहेगा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, तो क्या होगा, दोनों में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, ठीक है सर। सो यहाँ पे अगर P1 है, प्रेशर नीचे की तरफ P2 है, तो P1 माइनस P2 समथिंग रहेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी इसकी। yes, अगर P1 माइनस P2 जीरो नहीं है तो ये प्लेन क्या होगा, एयरलिफ्ट हो जाएगा, उड़ जाएगा। अगर यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस जीरो रहेगा तो क्या होगा, तो ये लिफ्ट नहीं हो पाएगा, है ना। नीचे प्रेशर ज्यादा होना जरूरी है, ऊपर प्रेशर कम होना जरूरी है। yes. तो नीचे प्रेशर ज्यादा कैसे होगा, जब यहाँ पे हम बिल्कुल इसको एयर के फ्लो को रोकेंगे, है ना, और ऊपर से एयर फ्लो जो है फास्ट रहेगा। तो वेलोसिटी अगर एयर फ्लो की वेलोसिटी अगर ज्यादा है, सिंपल यही कंसेप्ट समझ लो कि पी और वी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो पी की वैल्यू कम होगी, अगर वेलोसिटी कम होगी तो पी की वैल्यू ज्यादा होगी, क्लियर है? यस सर। तो ये कंसेप्ट है आपका एयरलिफ्ट। लेक्चर पूरा देखा आपने, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाया होगा। तो अगर इस चैनल में आगे भी आपको अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक इस मुहिम को पहुंचाइए, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।